दोस्तों, क्या हाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको बताया कि अवध यूनिवर्सिटी ने 24-25 सेशंस के लिए अपने एडमिशन फॉर्म शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं 2024-25 में एडमिशन लेने के लिए, वो आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, इन दोनों कोर्सेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि पिछले साल आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना अटैम्प्ट करना होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, टाइमिंग क्या होती है, इससे संबंधित सूचनाओं पे हम यहाँ पे नज़र डालेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करेंगे हम कहाँ से, पहले जनरल इंस्ट्रक्शन से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि हम दोनों की सिलेबस देखेंगे, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों की। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। चलिए सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होता है और कुछ इस तरीके से आपके सवाल यहाँ पे दिए रहते हैं। जैसे देखिए, बी फार्मेसी की अगर हम बात करें तो 4 सेक्शंस में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब आप चूंकि 12th करके आ रहे हैं तो आपका या तो PCM होगा या PCB होगा, तो सिमिलरली PCBM चारों है, इसमें से कोई एक पार्ट को आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर आपके इंटरमीडिएट में मैथ नहीं है तो आप ये 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करिएगा। सिमिलरली अगर आपके इंटरमीडिएट में बायोलॉजी नहीं है तो आप ये वाला स्किप कर दीजिएगा, इसको अटैम्प्ट मत करिएगा। कहने का मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट इज ओनली 150, 150 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करना है, जबकि टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 यहाँ पे दिए रहेंगे। सिलेबस का स्टैंडर्ड लेवल 10+2 होगा, यानी कि जो 12th आपने पढ़ा है उसी लेवल का सवाल आपसे पूछा जाएगा और अच्छे लेवल का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, फिजिक्स के आपके 50 सवाल रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 सवाल रहेंगे, बायो के 50 सवाल रहेंगे और मैथ्स के 50 सवाल रहेंगे। तो 50, 50, 50, 200 टोटल सवाल रहेंगे, 200 नंबर का सवाल रहेगा, कोई 150 का। आप ऐसा मत करिएगा कि 25 क्वेश्चन बायो, 25 क्वेश्चन मैथ को मत करिएगा, जो छोड़िएगा पूरा सेक्शन ही छोड़ दीजिएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैथ के हैं तो बायो को छोड़ ही देंगे और अगर आप बायो के हैं तो मैथ को टोटली छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट आइदर ए बी सी करिए या फिर ए बी डी करिए, बात वही है जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों सेम सिलेबस डी फार्मेसी का भी रहता है, डी फार्मा की अगर हम बात करें तो सेम सिलेबस रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ 50 50 50 50 50 नंबर के रहेंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना रहेगा, 10+2 लेवल का रहेगा और आपको कोई 3 ग्रुप करना है और टोटल 150 आपको अटेम्प्ट करना है, समझ आ गए। चलिए अब हम सर एक नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, ताकि वहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, मैं आपको बस क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सॉल्व मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सॉल्व हम उसको सेपरेट वीडियोस में करेंगे। तो वन बाय वन करके हम बी फार्मेसी की बात हो या डी फार्मेसी की बात हो, हम एक बार क्या कर लेते हैं, हम एक बार क्वेश्चन। तो ये हमारा बी फार्मा का क्वेश्चन पेपर है जो कि पिछले साल 2023 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं एक बार बी फार्मेसी की, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के 50-50 क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो जो प्रोग्राम था वो आपके वेबसाइट से ही जारी किया गया था, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में थोड़ी सी चेंजिंग ये हुई थी कि 150 के बजाय आपके 100 अटेम्प्ट करने थे, तो इसमें 50-50 क्वेश्चन ना देके 20-20 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको सेक्शन वैसे ही डिवाइड रहेगा, आपको अटेम्प्ट वैसे ही करना है। तो जरा अगर आप क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालेंगे तो जैसा मैंने बताया आपको, 4 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, ठीक है। आप 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन ए जो आपका फिजिक्स का रहेगा, ठीक है, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का रहेगा और सेक्शन सी आपका बायोलॉजी का रहेगा और दोस्तों सेक्शन डी जो है वो मैथ्स का रहेगा और इसके अलावा दोस्तों आपके जो 10 सवाल हैं वो इंग्लिश से संबंधित यहाँ पे दिए गए थे, समझ में आ गई बात। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था, हालांकि जो मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा था वो भी आपके वेबसाइट पे ही दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम ज़रा देख लेते हैं, अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको मैथ के हैं तो आपको मैथ करना पड़ेगा, बायोलॉजी आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप बायो के हैं तो आप बायो को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मैथ वाले पूरे सेक्शंस को आप स्किप कर सकते हैं। ज़रा इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन ए जो मैंने कहा था कि आपको सेक्शन ए जो है वो फिजिक्स का यहाँ पे दिया गया है और अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। जब से आप देखेंगे एनर्जी इक्वल ऑफ अ मास ऑफ 1 माइक्रोग्राम इन किलो जूल, 1 माइक्रोग्राम की एनर्जी को आपको किलो जूल में बताना है, थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं भी इसको कर सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे PCM छोड़े काफ़ी समय हो गया, पिछले 7-8 सालों से मैं एजुकेशन में घुसा हूँ, तो इंटर लेवल का, अच्छे लेवल का सवाल होता है उसको मुझे कैलकुलेट।
हालांकि ये एक बात सही है कि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा एक सेपरेट वीडियोस में, आपके जितने भी ये सवाल सवाल पूछे गए थे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सेक्शन ए की अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो अच्छे लेवल का सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल। द पॉइंट ऑफ इंटरजेक्शंस ऑफ एमर्जेंस रे, निर्गत किरण की प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसमें आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सेक्शन ए में आप यहाँ पे कुछ डायमेंशन से भी आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ विमीय सूत्र से आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि इसका IUPAC नेम बताना है, जो कि हर एक लगभग एंट्रेंस एग्जाम से आपसे पूछा ही जाता है, सेक्शन बी। और अगर हम सेक्शन सी हमारा क्या था, सेक्शन सी हमारा था दोस्तों बायोलॉजी। तो जो बायो के स्टूडेंट है वो यहाँ से अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बायो तो मेरे तो आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट रहा ही नहीं। ठीक है, अगर हम सेक्शन डी की बात करें दोस्तों, सेक्शन डी ऑब्वियसली बात है मैथ होगा, और मैथ भी अच्छे लेवल का सवाल, मतलब ट्वेल्थ लेवल का आपसे सवाल पूछा जाता है, ट्वेल्थ लेवल का सवाल आपसे मैथ में यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आसानी से, मैं क्योंकि मैं मैथ का हूँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली ये सवाल भी आसानी से हो जाएगा। वृत्तकार माप में ये क्या है, द वैल्यू ऑफ 11 डिग्री और 15, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि भाई अच्छी बात है ना। वेक्टर से सवाल आपसे यहाँ पर देखने को मिल गया, और एक्स कम, अच्छा यहाँ पे इसका मॉड दिया है, बहुलक दिया है, तो फिर आपको एक्स कम आ, तो इतना मुश्किल लेवल का सवाल नहीं है, चूँकि मैथ में पढ़ा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप फिजिक्स चूँकि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको हो जाए, तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियोज़ में। मैथ का एक और सवाल ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, 1090 माइनस थीटा को आप कन्वर्ट कर लेंगे और सामने आपको कॉट थीटा दिया ही है। मुझे लगता है सब कट फिट के ये भी वन हो जाना चाहिए, ये भी, अभी कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और लास्ट में कुछ तो वैल्यू आएगी, अब देख लेना आप। ठीक है, चलिए ये लास्ट अगर हम देख लें, लास्ट अगर इसके पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट आपका इंग्लिश होने वाला है, इंग्लिश से भी, हाँ इंग्लिश से भी आपके 10 सवाल, और ये जो सेक्शन है इसको सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, राइट, तो 10 सवाल आपके इंग्लिश के रहेंगे, इसको सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस पेपर रहा किसका, बी फार्मेसी का। अगर हम बात करें डी फार्मा का, तो डी फार्मा का अगर हम क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आपको डाउन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे सेक्शन ए में आपका फिजिक्स रहेगा और 20 क्वेश्चंस के बाद आपको सेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री मिलने की उम्मीद है। जी हाँ जी हाँ, सेक्शन बी आपको यहाँ पे, इसमें 25 क्वेश्चन, देखो नंबर सब क्वेश्चन से वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन के बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, बट काम आपको वही करना है दोस्तों, जिस भी आप स्ट्रीम से हैं, सेक्शन सी में आपको बायो मिला, अगर आप मैथ वाले हैं तो इसको आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप बायो वाले हैं तो मैथ को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो कि सेक्शन डी होगा, मैथ पोर्शन एस आई गेस। जी हाँ, सेक्शन डी आपका मैथ। अब देखना है कि क्या इसमें इंग्लिश पोर्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, लेट मी चेक वंस, और इसमें इंग्लिश का कोई पोर्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें जो सवाल आपके बनाए गए हैं दोस्तों, इसमें जो आपके सवाल बनाए गए हैं वो 25-25 नंबर के आपके चार सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, प्लस 25। ठीक है, 25-25 के चार सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ। तो जिस भी आप स्ट्रीम के, अगर आप मैथ के हैं तो मैथ को अटैम्प्ट करेंगे, बायो को स्किप करेंगे, और बायो के हैं तो बायो को अटैम्प्ट करेंगे, मैथ को स्किप करेंगे। ठीक है, तो चलो वेल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, और ये रहा आपका पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी, और ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानकारी। अब मैं थोड़ी सी स्टडी करूँगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि फिर से मुझे मैथ फिजिक्स ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, बट आई ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप भी इसको सॉल्व करेंगे, बाकी मैं तो सॉल्व करूँगा ही। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, और आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, तो मैं डेफिनेटली आप तक भेज दूंगा, ताकि आपकी हेल्प हो, आप एक बार प्रैक्टिस करें और एक बार उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्व के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, आप एग्जाम दें, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अटेम्प्ट करें और आगे की पढ़ाई करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।